ये वो कहाँ हुआ है? भूसा बना देते इसका। ठीक है मत खाओ, तुम्हें कौन सा हाथ पैर पकड़ रहे हैं कि खाओ खाओ मत खाओ। अभी तो पैर पकड़े थे मेरे, खा आलू ले आओ। देखो इतना कुछ कर दिया मैंने घर आते ही, पता है मैंने आने से पहले कितना कुछ कर लिया। और ये देखो मैं सही बताऊं गाइस, वो पीछे दिख रहा है बर्तन, वो मेरे लिए है, मेरे लिए है। बिल्कुल डिफरेंट ही है। और देखो सो गाइस हमारा घर ना सजा दिया है मेरे हस्बैंड जी ने अयोध्या की खुशी में। घर में कोई घर का मेंबर नहीं रहता तो मन ही नहीं लगता, उनकी बार बार चीजें याद आने लगती हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आर सन्नी ब्लॉग गाइज। और आज सुबह इतनी अच्छी धूप निकली है ना, मज़ा आ गया, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी शॉवर भी ले लिया और मैंने आज बाल भी धोए हैं क्योंकि कल ऑयलिंग की थी, तो प्रॉपर बाल भी धो लिए हैं अपने। सो गाइज आपको बताना चाहूँगी कि पापा भी घर पर आ चुके हैं, मैं थोड़ी सी क्लिप डाल दूँगी, ज़्यादा हमने शूट किया नहीं तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश भी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी क्योंकि पापा घर पर आ चुके हैं। सब पहले जैसा टचवुड ठीक हो रहा है धीरे धीरे। एक्चुअली में अभी भी पापा इतना नहीं खा पा रहे हैं, बहुत लाइट खा रहे हैं, बहुत लाइट। सो आगे व्लॉग में बने रहना, दिखाते रहेंगे और आप सबको पता है, लेकिन वो घर आ गए यही बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा कि वो घर आ गए, गुरु जी की कृपा हुई और आप लोगों ने इतनी ब्लेसिंग्स दी तो पापा को तो घर आना ही था। और दूसरी बात, आप सबको पता है कि 22 जनवरी को राम जी आने वाले हैं, दिवाली बनने वाली है, पूरे इंडिया में इतना खूबसूरत सब कुछ होने वाला है। सो गाइज हम लोगों ने भी अभी काफ़ी तैयारियां करनी है क्योंकि टाइम अब रहा नहीं है। और दूसरी बात, हम हॉस्पिटल में इतना बिजी थे, ना व्लॉग बना रहे थे ना कुछ बना रहे थे, सो आज थोड़ा ठीक हुआ तो अब व्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे रेगुलरली। सो गाइज आज क्या है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। और ये देखो मेरे फ़ोन में फ़ोन आ गया, वन सेकेंड। सो गाइज सॉरी फ़ोन आ गया था। सो आज अभी बच्चे स्कूल गए हैं, अभी वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। सो लंच भी बन रहा है। और दूसरी चीज़, आज लाइटें वगैरह भी लगाने वाले हैं हम घर में। देखो घर कितना मेरा फैला हुआ है, कपड़े वगैरह सब, आज लाइटें वगैरह भी लगाने वाले हैं घर में, पूरा घर सजाएंगे दुल्हन की तरह क्योंकि दिवाली बन रही है। तो इतना अच्छा, दिवाली पर हम कैसे घर सजाते हैं वैसे ही हम इस दिवाली पर सजाएंगे। सो हस्बैंड जी अभी इलेक्ट्रिशियन वगैरह को लेने गए हैं, वो प्रॉपर अपना लाइटें वगैरह लगाएंगे। तो आपको ब्लॉग में बने रहना, हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे गाइस। और अपना खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा लव दीजिए। मानती हूँ हमारे व्लॉग्स काफ़ी लेट आते हैं लेकिन जैसी सिचुएशन होती है वैसे करना पड़ता है गाइस, आप सभी को पता है। एंड गाइस अभी मुझे शॉप पे भी जाना है तो मैं रेडी होती हूँ शॉप के लिए, और मुझे दो तीन काम निपटाने हैं मार्केट के अंदर, सो वो भी निपटाती हूँ। और आगे व्लॉग में बने रहना, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस सडनली मेरा गला खराब हो गया और आज रामलला के आने पर हमने ना पूरा घर सजा रहा हूँ, जैसे दिवाली थी वैसा ही दिवाली की तरह घर को सजवा रहा हूँ। दिखाता हूँ, बिजली वाले भाई आए हैं, दिखाता हूँ सज रहा है। लाइट वैसी लग रही है, जब लग जाएगी तो आपको दिखाएंगे पूरा। दिख रहा भैया, दो लड़ी लगी हुई है, अब नाम लो के भैया लगा रहे हैं। चलो गाइस आज धूप बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी धूप है, जैसे कि जब पूरी तरह सज जाएगा फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस बच्चे आ रहे झंडा लेके, देखो आ जाओ, ले आ लिया तो उसको झंडा लेके आ रहे हैं, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। आज झंडा भी लगेगा हमारे यहाँ, ठीक है, डंडा और झंडा दोनों लेके आ रहा है। आ जा आ जा आ जा, बच्चे पूरी मैंने से झंडा सारा हो गया। चलो भाई चलो भाई, यहीं यहीं रखो, यहीं रखो, यहीं उधर नहीं, यहीं रखो, यहीं रखो बाबू, यहीं यहीं रखो, यहीं रखो, हाँ यहीं रखो, ये हमारा पैड ये रहा। चलो भाई सब लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। पहला झंडा लग चुका है, अब दूसरा झंडा लग रहा है बालकनी में। सो गाइस आज पूरी तैयारी चल ही रही है, राम जी आ रहे हैं तो हम भी अपना अयोध्या सजा ही ले, है ना। हो चुका है गाइस, तैयार हो गया, एक उधर भी लगाया, वो भी दिखा, दिखा दिया वो, ये भी लगा दिया। और दो दो हमारे टेरेस में लगा गए, वो दिखा दो, दो टेरेस में लगाए, वो देखो, वो जो आपको दिख रहा हो उधर और एक इधर, दो लग गया। अब एक नीचे भी लगाऊंगा, नीचे भी लगाने वाला। सो गाइस ये लाइटें भी लग चुकी हैं, अभी भैया जला के दिखा रहे हैं, एकदम परफेक्ट लगी हैं।
चलो फिर दोबारा से दिवाली, ये मजा आ जाएगा। सो गाइस अब नीचे भी झंडा लग रहा है, ऊपर तो लग गया, अब नीचे डिसाइड होना इधर या उधर। क्या बेटर लगा भैया वैसे, इस कोने में ठीक लगा ना, कोने में ठीक लगा, कोने में डाल दो यार, ठीक लग गया ना। चलो गाइस लगा के फिर मिलते हैं, यहाँ लगवाता हूँ शायद यहाँ लग जाएगा, सही लग जाएगा। अपनी तरफ देख लेना, सीधा हो, देख लेना सीधा हो है। गली में लगना शुरू हो गया, देखो गाइस बहुत सारे झंडे लग चुके हैं गली में। तो गाइस ये रेडी हो चुका है, वहाँ छः टोटल छः लगे, दो दो चार एक पाँच, दो दुकान पे लगेंगे ठीक है। चलो गाइस फिर निकलता हूँ शॉप के लिए। हमारे शॉप पे एक नई चीज़ आई है और देखो गाइस बिल्कुल डिफरेंट ही है, और देखो और ये लाइव है। और मैं तो गाइस मैं आ गया हूँ सब्जी लेने के लिए, और घर से ऑर्डर आया सब्जी लेने के लिए, तो मैं घर जाके दिखाऊँ जो मेरा दिन में जो मैंने लगवाया था लाइट वगैरह, हमारा घर जो अयोध्या की तरह सज चुका है, तो आपको दिखाता हूँ घर जाके। पहले थोड़ी सब्जी मार्केट आ, तो मैं सब्जी ले लूँ, सब्जी मार्केट आऊँ सब्जी लेने के लिए, ठीक है वो ले लो फिर मिलते हैं भाई। सब्जी मार्केट बड़ी दिक्कत होती है, आलू लेता हूँ, आलू कौन रहा है ना, ये गाना शादी कॉपीराइट करवाएगा हमें से, वो चलते रहते हैं बंद कर दो फिर भी चलता रहता है। चलो वैसे लेते फिर सब्जी, एक सफ़ेद आलू हो गया। और ये भैया ये वाला कौन सा आलू है, ये वाला पहाड़ी तो नहीं आ रहा है, ये सफ़ेद वाला। तो गाइस हमने 2 किलो ले लिया प्याज, आगे देखते हैं और सामान देखते हैं क्या लेना है। गाइस घर से ऑर्डर आया, सिर्फ एक ही चीज़ लेना आलू जो मैंने ले लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। अब चलते घर की तरफ, दिखाता हूँ वो घर कितना अच्छा सजा हुआ है। चलो गाइस राम लल्ला आ रहे हैं, जाहिर सी बात है घर तो अच्छा सजाना चाहिए ना। चलो फिर ठंड हो रखी है बहुत ज़्यादा, अब मैं कर रहा हूँ अपनी गली में एंट्री, और हाँ देखो सज गया हमारा घर, देखो कितना अच्छा दिख रहा है, दिखाता हूँ वो देखो लाइट दिख रही है वो लगा हुआ, पास जाके दिखाता हूँ। ये वाला नहीं अगला वाला देखो गाड़ी रिक्शा आ रहा है, तो आगे जाके दिखाता हूँ, वो देखो गाइस दिख रहा है वो वाला, अभी उतर के दिखाता हूँ ठीक है। चलो गाइस उतरता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, गाड़ी लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखो पूरा घर हमने दिवाली की तरह सजा दी, ये राम भगवान जी की ये पोस्टर फ्लैग राम भगवान जी का, और ये बहुत ब्यूटीफुल गाइस सच में बहुत मज़ा आ रहा है, देखते हैं 22 को क्या होता है। चलो चलते हैं ऊपर, और ये फूल तो हमारे वही काम आ गए, जो फूल दीपावली लगा था वो दरवाजे में लगाया, वो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और लाइट मैंने दोबारा लगवा दिया। सो गाइस घर आते मैडम जी लगी है देखो खाना बनाने में, मैं आलू ले आया हूँ, देखो इतना कुछ कर दिया मैंने घर आते ही, नहीं पता मैंने आने से पहले कितना कुछ कर लिया। और ये देखो मैं सही बताऊं गाइस, वो पीछे दिख रहा है बर्तन, वो मेरे लिए है, मेरे लिए है क्योंकि ये काम मुझे बहुत गंदा लगता है, बर्तन लगाना मैं नहीं, बर्तन मैं लगाऊंगा, बर्तन मैं नहीं लगा सकती, ऑमलेट बनाऊं या क्या करूं, या फिर प्लेस वाली बटर जान, आज पता है शनिवार तभी मैं नहीं खाया, कितना कुछ ऑफर है खाने पीने का फिर हमने नहीं खाया। चलो गाइस आपकी अप्लेस की बटर लगा दो, हाँ हाँ वो लगा दो। सो गाइस चलो फिर अब आप भी खाओ, आ जाओ ये अप्लेस देखो आप भी खाओ, ये तो पानी बना दिया इसको, नहीं ज्यादा पानी नहीं बनाया, अरे क्या बोलो कहां हुआ है, भूसा बना देते ठीक है, मत खाओ, तुम्हें कौन सा हाथ पैर पकड़ रहे हैं कि खाओ खाओ मत खाओ, अभी तो पैर पकड़े थे मेरे खाओ ये देखो लग ही नहीं रहा इसलिए बनाना। चलो ठीक है खाता हूँ गाइस, भूख लग रही बहुत तेज, खाता हूँ सिर्फ कुछ खाया नहीं हूँ गाइस। हमारे यहाँ राम भगवान अभी आए नहीं, तो हमारे यहाँ देखो क्या क्या बन रहा है, और जिस दिन आएंगे पता नहीं उस दिन क्या क्या बनेंगे, राम भगवान अभी हमारे रास्ते में, ऐसा कुछ नहीं है मेरा रोज का ही रूटीन है ये बनाने का। अच्छा रोज का बाबा जी भगवान स्किल नहीं, एक बात बताओ पहली बात है मेरे बच्चों को दोनों के लिए अलग अलग चीज, घर में जितने मेंबर है सब अलग अलग खाते हैं, कोई पापड़ खाता है, कोई एप्लेस की बटर खाता है, कोई क्या खाता है, तो सबके लिए किचन आप देख रहे हो गाइस, ये सिर्फ मेरे लिए चमकाने के लिए, बाकी बहन जान ये मैं ही चमकाऊं किचन में, जो ऐसे दिख रहा है ना। अच्छा चलो गाइस आप भी खा लो, मैं भी खा रहा हूं, बहुत अच्छे लगते हैं डिलीशियस से, ये मूंग की दाल वाले हैं, मूंग की आप भी खाओ लो, खाना बच्चों पापा जी देखो इसके अंदर भगवान के वो है। सो गाइस हमारा घर ना सजा दिया है मेरे हस्बैंड जी ने अयोध्या की खुशी में, ये देखो
कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइटें लग चुकी हैं पूरे घर में, नीचे तक ऊपर तक सब जगह सजा दिया है क्योंकि दिवाली है भाई, तो दिवाली को तो एंजॉय करना ही है। ये देखो, जय श्री राम जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। वापस से दिवाली आ गई, कितना अच्छा लग रहा है। लाइट ऐसे लेके बहुत अच्छा। सो गाइस आई एम सो एक्साइटेड कि हम दो दो बार दिवाली बनाएंगे। एक दिवाली जा चुकी है, एक सबसे बड़ी दिवाली अब आने वाली है 22 तारीख को। हमारे घर में सब एक्साइटेड हैं, मम्मी पापा भी आ गए हैं, बहुत खुशी है मुझे। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब घर में कोई घर का मेंबर नहीं रहता तो मन ही नहीं लगता, उनकी बार बार चीज़ें याद आने लगती हैं। तो अब आ गए हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, हर चीज़ अच्छे से करेंगे मनाएंगे। इसलिए हमारे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे क्योंकि जब कोई नहीं होता, कोई एक भी पर्सन ना हो तो बहुत कमी महसूस होती है। तो बस यही है, चलो आगे व्लॉग में बने रहना गाइस। गाइस मैडम जी आज हमारे लिए पता है क्या लाए, दिखाता हूँ। झंडा तुम्हारे लग ही गया और देखो हमारे यहाँ क्या आया है, देखो हम लोगों के लिए जय श्री राम। तो देखो गाइस हम तीनों के लिए जन मेरे साइज ही लाओ ना बाबू, ये पता चले मेरे शरीर में फिट ना हो रहा हो। ये थ्री साइज है, किसी को भी आ जाएगा, बच्चे को भी, सबका एक साइज है। तो गाइस ये पहनेंगे जिस दिन हमारा टी शर्ट आई। वैसे अरे इसकी तो वीडियो बना के डाल दो, जिस दिन होगा उस दिन वो ऑनलाइन कुर्ते नहीं मिल रहे वो मंगवा लो, जो राम जी के कुर्ते मिल रहे हैं। नहीं नहीं वो आएंगे नहीं, हमें 1500 का ईच है वो ऑनलाइन के लिए। कुर्ते में ठंड नहीं, बीमार नहीं हो जाऊंगा ठंड में। अरे हाँ हाँ हाँ, इसलिए नहीं कुर्ता रहने दो, ये बस पहन के वीडियो बना के रख दो बस। हाँ तो गाइस ये उसी दिन पहनूंगा जिस दिन हमारे राम जी आएंगे, आज थोड़ी पहनूंगा। मैं तो सोच रही थी रात को वीडियो बनाओगे। अच्छा ये इनका काम ही है वीडियो बनाने की बात करते हैं। चलो गाइस फिर एडिटिंग करो आप। चलो गाइस ये एडिटिंग करते हैं, अपना बिजनेस वाला अकाउंट एडिटिंग कर रही हूं। यही चलता रहता है यहाँ पे, सांस लेने की तो फुर्सत नहीं है। एक तरफ गैस से ये सांस नहीं, ये सांस अपने बालों से ले रहे हैं, नाक सांस नहीं ले रहे ये। ये डायलॉग मारते रहते लोग, कहेंगे दो आंखों पे अलग अलग कलर लाइनर लगाया हुआ है। जैसा कि मैं कह रहा था ना, बर्तन मैंने लगा दिया सारा काम मुझसे करवाते हैं ये। झूठा आदमी, झूठा आदमी। गाइस मैं देखो पूरा दिन चमका दिया, वीडियो बना बना के दिखा रहे हो लोगों को। तो आपने जैसे लगा रखा वैसे दिखाई देगा ना, अच्छा नहीं लग रहा ऐसे। कलर बहुत सुंदर है, कलर लाइनर तो गाइस वो कलर लाइनर है। चलो ठीक है गाइस अब रात हो गए, वैसे ब्लॉग करते हैं। हाँ बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस इसी के साथ वीडियो कैसी लगती है, हमारी वीडियो कैसी लगती है ये आप जरूर बताना, ठीक है। इसी के साथ वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है गाइस। चलो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।